खुशी साए, ये दीवारें ये खामोशी साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। बिल्कुल ठीक किया था जो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था, तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। जल्दी उठो मोमो, उठो मोमो। क्या है यार, अभी तो आंख लगी थी मेरी, सोने दो। अरे खुशखबरी सुनानी है मुझे। फिर कोई भी खुशखबरी नहीं सुननी है यार, अम्मी ने हमें कॉलेज जाने की इजाजत दे दी है। कॉलेज जाने की इजाजत दे दी हमें? हाँ, अम्मी ने मुझे खुद कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं। उनके दिल में हमारे लिए इतना रहम कहाँ से आ गया? इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि वो। रहने दो, हालात जैसे भी हो, हम है तो उनकी सगी औलाद ना। मेरे उससे भी बदतर सुलूक किया उन्होंने मेरे साथ, देखो जरा मेरी नाक भी लेके खराब कर दिया। तुम्हें अपनी गलती नजर नहीं आती? नहीं नजर आती। ये तो अम्मी का बड़प्पन है कि उन्होंने बाबर भाई से एक लफ्ज तक नहीं कहा और हमें कॉलेज जाने की भी इजाजत दे दी। अच्छा छोड़ो, उठो कॉलेज जाने की तैयारी करते हैं। उठो। जाऊंगी ना, कौन सा मुझे पार्लर जाना तैयार होने के लिए। इस लड़की का दिमाग ना हमेशा खराब रहेगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बात जानता हूं कि तुम मेरी नहीं किसी और की अमानत हो, लेकिन किन्हीं मेरी बेबसी भी तो देखो। मैं खुद को नहीं रोक पा रहा तुमसे मोहब्बत करने से। क्या हो गया? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, क्या किया मैंने? तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी वजह से मैं पूरे कॉलेज में बदनाम हो गई थी। अफसोस है मेरी, सॉरी। उस दिन तुम्हारी मदर की तबीयत खराब नहीं हुई थी? हाँ, नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला था? बोलना पड़ा ना। अब जाहिर है मैं अपनी अम्मा से मिलने तो दीवार फैला के नहीं जाती ना, लेकिन तुमने जो मेरी फेवर की उस दिन प्रिंसिपल के सामने मेरा नाम नहीं लिया, आई रियली अप्रिशिएट। तुम वाकई एक बहुत अच्छी दोस्त हो। पता है मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली।
तुम अजीम हो मोमो। आजकल के दौर में ऐसी अजीम कुर्बानी कौन सी सहेली देती है? जिसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। कहा ना, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन पता है दोस्ती की दुनिया में तुम्हारा नाम सुनहरी लफ्जों से लिखा जाएगा। अच्छा बस भी करो। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। ये किस लिए? तुम्हें शायरी का शौक है ना? हाँ। अब इसमें अपनी पोइम्स लिखा करो, ठीक है? Really? You're so sweet. Thank you. चलो, all good now? हाँ। नाराज तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो, मैं चलती हूँ। अगर जो जो ने देख लिया ना, बड़ा मसला आ जाएगा। Bye. After the invasion of East India Company on Mysore, ये क्या हरकत है? पागल कर देते हैं पढ़ा पढ़ा के। पढ़ोगी नहीं तो जाहिल रह जाओगी। तो मुझे कौन सा टॉप करना है? सिर्फ पास होना है मुझे। वैसे भी अब मेरी शादी होने वाली है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरे सामने अपनी शादी की बात करते हुए? आपसे क्यों शर्म आएगी मुझे? नाना जाने आप पहले। मैं ऐसा करती हूँ, चाय बना के लाती हूँ, फिर आराम से बैठ के पढ़ेंगे। मैं ये पूछना आई थी कि चाय पियेंगे? मैं नेक्स्ट वीक आपको एक सरप्राइज दूंगी। कैसा सरप्राइज? नेक्स्ट वीक ही बताऊंगी। ये रही आपकी चाय और ये मेरी चाय। अमन, बेटे मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस घर में अगर किसी के साथ तुम्हारा रिश्ता है तो वो सिर्फ मैं हूं। आप उन्हें अच्छा इंसान नहीं समझते क्या? नहीं, क्योंकि वो जॉब नहीं करते, आपके घर में रहते हैं। इसलिए कि वो एक निकम्मा और खुद गर्ज इंसान है, दूसरों की कमजोरियों से फायदा उठाता है। मैं नहीं चाहता कि उसका साया भी तुम पर पड़े, तुम बेवकूफ और मासूम भी। जानती हो उसके भाइयों ने उससे कता ताल्लुक क्यों किया? मैं नहीं जानती और मुझे जानना भी नहीं। अगर आपको लगता है ना मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुझे लोगों की पहचान नहीं है, लेकिन ताहिर सर के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान। उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, बल्कि वो किसी का बुरा नहीं चाह सकता। मैं उसे इस घर से निकाल दूंगा। अगर आपने उनको घर से निकाला ना तो मैं आपसे मिलना छोड़ दूंगी, कभी नहीं मिलने आऊंगी आपसे। अमन, 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 जी नहीं, ताहिर भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, बस आपको ही हमारी कदर नहीं है। ये ताहिर महमूद हैं कौन? अरे आप ताहिर सर को नहीं जानते? हैरत है, मैं इतनी मशहूर मारूफ शख्सियत को नहीं जानता। तो मेरे कजिन है। करते क्या है?
वो बहुत जीनियस है। मैंने पूछा करते क्या हैं? कहीं आप जेलस तो नहीं हो रहे? नहीं, मुझे क्या जरूरत है जेलस होने की, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे। आपका लहजा बता रहा है। तुम्हें लहजों की पहचान है क्या? जी हाँ, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। अल्लाह करे ऐसी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? 4-5 हजार। इतने पैसे क्यों चाहिए? आप, मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे है, उसे गिफ्ट देना था। 4 हजार रुपए का? आप मुझे पैसे देंगी या नहीं? मैं इतने पैसे तुम्हें इकट्ठे नहीं दे सकती। 1500 की बात होती तो दे दे। डैडी ने आपसे कहा है ना, मुझे जिस वक्त जितने पैसों की जरूरत होगी आप मुझे देंगी। इमन, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती। जाओ, और इस बार तुम ये पैसे मेरे पर्स में से नहीं निकाल सकती। पैसे तो आप मुझे देंगी, वो भी अपने हाथों से। मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इवन, कुछ भी हो तुम उससे छोटी हो। और ये क्यों? एक दोस्त दूसरे दोस्त को तोहफा नहीं दे सकता। इवन, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बिल्कुल तोहफा दे सकता है, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरी खुशी समझ ले। आप मेरे लिए कितने अहम हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। तो मेरे पास कुछ नहीं है। दिल तो है ना? आपकी दिलास मोहब्बत ही मेरी ताकत है। ये मोहब्बत अफान का मुकद्दर बने तो बेहतर। कितने बेवस हैं? बेवकूफ नहीं, मजबूर। अगर मैं मजबूर ना होता तो तुम्हें उस बेहिस के हवाले ना करता। इस्लामाबाद जा रहा हूं मैं। क्यों? वही वीजे का सिलसिला। मेरा दोस्त है इंग्लैंड में, वो कोशिश कर रहा है, हो सकता है कोई बात बन जाए।
चले जाऊंगे। दुआ करना। कभी ये दुआ नहीं कर सकते कि आप मुझसे दूर चले जाए। आप नहीं होते तो आपके बगैर नहीं रह सकती। इस वजह छोड़कर मत जाओ। हेमन, होश करो, तुम अफान। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, बस आपके सिवा कुछ भी नहीं। अगर आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे छोड़कर मत जाए। कैसी हो? ठीक हूँ। पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यकीन नहीं आ रहा। यकीन आने वाली कौन सी बात है? जानती हूँ मैं। खुद शनासी का आंसर बहुत जल्दी तय कर लो, क्योंकि मैं जिस हेमन को जानता था वो खुद से अनजान मासूम लड़की। क्यों मैं ना देखना चाहती? देख लिया। क्या जानना चाहती? आप मुझे नहीं जान सकते। तुम इतनी गहरी नहीं हो हेमन कि मैं तुम्हें जान ना सकूं। तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा है मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम वो नहीं रही जो तुम पहले थी। मैं बस उसका सबब जानना चाहता हूं। सबब है ताहिर महमूद है ना? वो तुम्हें मुझसे बदगुमान कर रहा है। मुझसे 15 मिनट बाद के दौरान 12 मिनट के ताहिर महमूद भी शामिल होते हैं। चाहता क्या है? जेलिस हो रहे हैं। मुझे तो किस बात का है कि मैंने ऐसी लड़की का इंतखाब किया था जिसके जज्बात मासूम थे। इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? सिर्फ अपने खदशे का इजहार कर रहा हूँ, वो खदशे जो मेरे और तुम्हारे रिश्ते के दरमियान आ गया। देखिए आप उनको बात सुनो। मैंने रिश्ता कई लोगों के सामने तुमसे बनाया है, इसको मजाक मत बनाओ। तुम्हारी सोचों में कोई मुझसे ज्यादा शामिल हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वापस आ रही हो? हाँ तो मायरा के घर थी। ये मायरा के घर के चक्कर कुछ ज्यादा ही नहीं लगने लगे? साफ साफ का उस ट्यूटर से मिलकर आ रही हो। हाँ तो
इस घर में मेरी बेटियां भी रहती हैं इमन, तुम्हारी इन हरकतों का बुरा असर उन पर भी पड़ने लगा है। कौन सी हरकतें मेरी, क्या कह जा रही हैं आप? दाया, तंग आ गई मैं तुम्हारी निगरानी कर करके। हमारा बाप आकर संभालेगा तुम्हें। आप या डैड मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकते। अच्छा क्यों? क्योंकि वो मेरे कजन है और उनके दादा मेरे नाना है। क्या एमन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मर्द के दिल में शक डालने का मतलब समझती हो? ऐसे को उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहती। जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती जहां हीरो हीरोइन पार्क में गाने गाते एक दूसरे को मोहब्बत का सबूत देते हैं। कम उम्र हो, नादान हो, इतना तो समझती हो ना। ये छेड़छाड़ शरारत सब उसके मिजाज का हिस्सा है। वो मुझे नादान समझते हैं। तुम नादान हो, हर किसी की बातों में आ जाती हो। ये कैसा ख्वाहिर ख्वाह है जो तुम्हें उल्टे सीधे मशवरे दे रहा है? आप उनके बारे में कुछ मत कहिए। वो मेरे कजन है, उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। हाँ तुमने बताया था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं तो है। क्या मैं अपने ननियाली अजीजों से मिलना छोड़ दूं? मिलो, घर वालों की इजाजत से मिलो। वो सब खिलाफ है उनके। कोई किसी के खिलाफ नहीं है इमन, और मैं बात करूंगी तुम्हारी अम्मी से इस बारे में। वो मेरा रिश्ता छीन लेंगे। कोई किसी का रिश्ता नहीं छीन सकता इमन, ये तुम्हारा खून का रिश्ता है। कब आए इस्लाम आबाद से? अभी एक घंटा पहले। तुम रोई हो क्या? डैडी को आपके और नाना जान के रिश्ते के बारे में बता सके? तो उसमें परेशान होने वाली है, घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारा और नाना का रिश्ता मोतबर है। और मेरा और आपका? मैं कहां से आ गया बीच में? वो लोग मेरी शादी कर रहे हैं। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? तुम्हें और मुझे दोनों को ये बात बता दी कि ये दिन आएगा। फिर भी आपने मुझे ऐसे दराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। ना उधर की रही और ना इधर की। मुझे आप चाहिए। खुद को हल्का मत कर। मैं क्या करूं? क्या सबर नहीं आता? मेरे पास क्या है? ये खुशी भी नहीं दे सकता मैं तुम्हें। तुम तो बहुत संभाल के रखने के काबिल हो,
और मेरे पास ठिकाना ही नहीं है, तुम्हें कहां रखूंगा, भूल जाओ मुझे। मैं आपको नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। आफरीन है तुझार, जिस थाली में खाया उसी में। अब के नकब लगाने को मेरा ही घर मिला था तुझे, तू जानता नहीं था ये कौन है, मेरी क्या लगती है। और तुम दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ वरना गाड़ दूंगा, गोली मार दूंगा। दादा मैं चुप, कुछ नहीं सुनना चाहता। दबाओ जाओ, दबाओ जाओ, दबाओ जाओ। नाना, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। तुम चुप करो, मैं समझा था तुम्हें रोक पाऊंगा, नहीं रोक पाया। फिर हार गया, तमाचा फिर मेरे ही मुंह पे पड़ा। कौन सा जुर्म है जिसकी सजा खत्म होने को नहीं आ रही। ये जख्म हमेशा मेरे ही सीने पर क्यों लगता हो, ये कौन सा गुनाह है जिसका अजाब खत्म नहीं हो रहा। उस शख्स के लिए अपनी शर्मो हया, बाप की इज्जत और मेरे एतमाद को रेजा रेजा करने चली थी। ये शख्स अपने बाप के मरते ही भाइयों से अपने हिस्से का मुतालबा करने लगा और पूरी रकम अलहले तलहले में खर्च करके फिर जाके उन्हीं के दरवाजे पे पड़ा। दो बार मंगनी करवाई, दोनों बार तोड़ दी। ये शख्स जानता ही नहीं कि मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। तुम जिसे मोहब्बत समझ रही थी वो मोहब्बत नहीं है, हविस है, हविस। वो सिर्फ पैसे का मीत है। कितना समझाया था कि वो गुलाब का पौधा नहीं, कीकर है, कीकर। तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम भी सारा की ही बेटी हो। जाओ, हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, जहां फिर कभी पता ना, यहां तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। छोड़ मेरा, जाओ, चली जाओ। मैं तुम्हारा नाना नहीं हूं, मैं तेरा कुछ नहीं हूं। चल जाओ, प्लीज गो। आई एम अ फेलियर, लूजर, लूजर। क्या हो रहा है? बस देख लो, ये लो। ओ, हाय, मैं वो वाली नहीं,
हाँ। वो जो जो पढ़ाकू मैडम लाइब्रेरी में बैठी हुई है अभी तक। वाओ, ये डायरी तो तुमने बड़ी लिख ली है। अच्छा सुनो, वो फरुख है ना, वही वो कह रहा था मुझे इस अच्छी लड़की से मिलना है, बहुत इंप्रेस लेवल से। हाँ मोहा, ये फरुख साहब है कौन सा, मैं उनसे मिलूंगी, मैं नहीं मिल रही। नहीं, ये वही लड़का ना जिससे तुम उसे मिलने के लिए गई थी। हाँ वही है। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो? मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों की तरह बैकवर्ड नहीं है। और फरुख ने कहा मुझे डायमंड रिंग दिलाएगा। रियली? वाओ यार, कब? जब उसकी जॉब लग जाएगी। तो मिल ओनर का बेटा है, उसको जॉब की क्या जरूरत है? क्या वो अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है? अरे वाह, भगत की बात है। अच्छा सुनो, तुम ये डायरी मुझे दो। मैं भी देखूं तुम्हारी पोइट्री में चॉइस कैसी है। चलो कैंटीन चलते हैं। चलो। Let's go। आ जाओ। तुम्हें पता है ईमन जहाँ पढ़ने जाती है वो उसके नाना है। किसने कहा आपको? एमन ने। और आज जब वहां से वापस आई है तो बाबर ये ताहिर लड़का ये मुझे ठीक नहीं लगता। मैं हर बात खुद ही सोच रही, क्या करूं मैं बताऊं? फिलहाल आप एमन को वहां जाने से रोक। नहीं रोक सकती हूं मैं। एमन के मामले में वकार कभी भी मुझ पर एतबार नहीं करते। कुछ करो। वालेकुम अस्सलाम। ये वक्त है वापस आने का? बताया तो था आपको कि मेरे प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अरे भाई, ये कौन से प्रैक्टिकल हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे? ये लड़कियां करती क्या फिर रही हैं? क्या करूं मैं, किस किस पर नजर रखूं, किस किस पर पहरे बिठाऊं? तो भाई अम्मी, क्या हो जाता है हर आपको? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्यों रो रही हो आज? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं जिस पर भी इस दुनिया में एतबार करती हूँ मेरा नहीं होता। नहीं एमन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें वो रिश्ता मिला है जिसके लिए तुम तरस रही थी। रिश्ता? रिश्ता मिला भी तो तुम्हें हुआ क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्या हो गया मुझे, कुछ नहीं समझ आ रहा। शुक्र है तुम आ जाई, आज तो वो आना ही था। रोल नंबर स्लिप भी लेनी थी और अपने, अरे हाँ ये लो पकड़ो अपनी बाइक, नहीं तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ मगर आसिफ ने जरूर पढ़ लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, और ये आसिफ कौन होता है? अरे तो मैं क्या करूँ, उसे तुम्हारी हर चीज में इंटरेस्ट है, कहीं भी छुपा लो ढूंढ जरूर लेता है। तुम्हारा ये कथन अगर मुझे चाहता क्या है? तुम्हें चाहता और क्या, मोहब्बत ऐसे होती है? नहीं, उससे पहले कहीं बॉम्ब का धमाका होता है। तो ठीक है ना, मरे कदम ऐसा कथक है यार, वो अपने डैड के साथ कारोबार में हाथ बिताता है।
अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ, मुझे लाइब्रेरी में ये बुक वापस कर, ठीक है? सो आई विल सी यू लेटर, ऑलराइट? जिसे मोहब्बत समझ रही थी वो मोहब्बत नहीं है, हविस है, हविस। वो सिर्फ पैसे का मीत है। कितना समझाया था कि वो गुलाब का पौधा नहीं, कीकर है, कीकर। रह जाए पीछे, रुकूं तो रास्ता पैरों से जाए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराय।